नमस्कार, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज खबर 24 में आपके साथ कुसुम मिश्रा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर पृथला से। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि बीजेपी पार्टी का काम लोगों का विकास करना है और विकास के लिए ही लोग वोट करें। पंडित तेगचंद शर्मा ने जो विधायक रहकर विकास कार्य किए थे उस लाइन को अभी तक कोई काट नहीं पाया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आज गाँव दयालपुर में भाजपा प्रत्याशी तेगचंद शर्मा के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां हजारों लोगों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों का उत्साह आप खुद देख रहे हैं। हमारे इलाके का दयालपुर गांव, जहां गुंडा दलाल और दूसरी जातियां का प्रभुत्व है, आप खुद देख रहे हैं, महसूस कर रहे होंगे क्या लोगों में उत्साह है, जोश है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लोकसभा में भी इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की गोली भर दी है और इस बार भी मिथिला में एक इतिहास रचेगा। पहली बार मिथिला क्षेत्र में कमल खिलेगा और हमारे उम्मीदवार तेगचंद शर्मा जी अच्छे वोटों के साथ यहां से जीत कर जाएंगे। जातिवाद का जहर घोलने का आरोप तेगचंद जी ने रघुवीर तेवतिया पर लगाया, किस तरीके से? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास, सबकी पार्टी है। इस पार्टी का के लिए जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद कोई स्थान नहीं है। ये भारत प्रथम इस सोच को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमारा नेतृत्व चलता है। हमारे लिए देश पहले है, बाकी सब बाद में है। इसलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, तीसरे नंबर की आने वाले 2 साल में अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सारा हरियाणा और मिथिला विधानसभा के लोग, छत्तीस बिरादरी के, भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत ने दावा किया था कि केंद्रीय मंत्री पृथला में पैर रखकर देखा है। देखिए, मैं वो भी अपना भाई है, ऐसे नहीं लगातार हम देख रहे हैं कार्यक्रमों के क्या लग रहा है इसको देखते हुए ये लगता है कि यहाँ पे अब की बार कमल हर हालत में खुलेगा। आज माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का आशीर्वाद पहले मंत्री यहाँ पे आए, वो खुद इस चुनाव को अपने नेतृत्व में लड़ रहे हैं और मैं विश्वास देता हूँ कि जो उन्होंने विश्वास मेरे पे जताया है के साथ इस भारतीय जनता पार्टी के नाम में और अच्छे मतों से जीत करके। तीन विधायक पटना में रहे लेकिन विकास की लाइन को आपकी काट नहीं सका।